फ्रेंड्स, आपने देखा और सुना होगा कि बिजली के झटके लगने से और करंट लगने से इंसान की मौत हो जाती है और यह हमारे इंडिया में 5 से 6% दुर्घटनाएं बिजली से ही होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर बिजली का झटका लगने से या फिर करंट लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, एक इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है और जब ये इंसान के शरीर में बिजली का झटका और करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह से जला देती है और पानी के जलने के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है और ब्लड के गाढ़े होने के कारण इसका जो प्रवाह होता है वो धीमा हो जाता है और प्रवाह धीमे होने के कारण हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बिजली का झटका लगने से या फिर करंट लगने से इंसान की मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वर्कआउट की शुरुआत करने से पहले स्ट्रेचिंग करने की सलाह क्यों दी जाती है? फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का वर्कआउट में अहम रोल होता है जो क्योंकि ये हमारे शरीर को राहत भी पहुँचाती है, लेकिन ये कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि हमारी मांसपेशियों में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है, मतलब कि मसल्स के तनाव को दूर करता है और शरीर की मांसपेशियों को नर्वस सिस्टम की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, पहला सिंपथेटिक और दूसरा पैरासिंपथेटिक। पैरासिंपथेटिक का काम बॉडी को रिलैक्स करना और भोजन को पचाना होता है, जिसका कनेक्शन स्ट्रेचिंग से ही होता है। स्ट्रेचिंग करने से ब्रेन के पैरासिंपथेटिक हिस्से में असर पड़ता है और यह हिस्सा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारे शरीर को रिलैक्स और हल्का महसूस होता है। इसलिए अपने मॉर्निंग शेड्यूल में स्ट्रेचिंग को जरूर रखें क्योंकि यह हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के साथ साथ हमारे शरीर में पॉजिटिव असर भी छोड़ती है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने काम में बुरी तरीके से फंस जाता है तो वो इससे निकलने के लिए कई जुगाड़ बनाता है और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकल सके, क्योंकि काम को आसान बनाने से लेकर समय की बचत करने तक हर जगह जुगाड़ ही काम आता है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही जुगाड़ के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अब उत्तर भारत में धीरे धीरे ठंड खत्म होती जा रही है और गर्मी आ रही है, ऐसे में सभी लोग कूलर पंखे का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए इस गर्मी से बचने के लिए एक शख्स ने पानी स्टोर करने वाली टंकी से ही एक कूलर बनाया है जिसमें घास भी लगाई गई है। इसकी सेटिंग बिल्कुल कूलर की तरह ही बनाई गई है और इसमें हवा भी बिल्कुल एसी की तरह ही आती है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। तो फ्रेंड्स, पानी की टंकी से ये कूलर बनाने का जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।